हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेवी पे के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। जिन लोगों को यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिला है वो लोग भी अपने रेवी पे के बैलेंस को बैंक अकाउंट में एकदम ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस लाइव में करके दिखाऊंगा, बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखने से पहले ये प्रोसेस मत कीजिए। अगर आपका बीच में कहीं पे पैसा फंस जाता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेके यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। ये पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ कैशबैक रेडी पे भी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे हमें क्या करना है। एक एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन जाना माना है आप लोग सब इसे जानते हो, आपको जाना है पेटीएम एप्लीकेशन में। तो चलिए मैं पेटीएम एप्लीकेशन में चला जाता हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसको फिंगरप्रिंट के थ्रू मैं ऑथेंटिकेट करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद पेटीएम एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे पेटीएम वॉलेट वाला जो ऑप्शन दिखता है इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे लोड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करने हैं तो मैं ऐड मनी पे क्लिक करूँगा। आप लोग बोलेंगे भाई ऐड तो यहाँ पे अगर आपको करने हैं तो ऐड करने के लिए थोड़ी यहाँ पे डायरेक्टली लेदी पैसे अलाउ करेगा, अलाउ करेगा, मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाऊंगा। सिंपली हमने ऐड पे क्लिक किया, उसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे में आपको नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट में ही दिख जाएगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो मैं एयरटेल पेमेंट बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ और पे 1000 पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका एयरटेल का मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ रजिस्टर है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर फटाफट से एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लिया, उसके बाद गेट ओटीपी वाला ऑप्शन इसके सामने ही, उसके ऊपर टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो ओटीपी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओटीपी को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ओटीपी यहाँ पे फिलअप होकर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा विद इन कुछ सेकंड में यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में बैलेंस नहीं होना चाहिए, आप कितना भी बैलेंस इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड एंड पे वाला ऑप्शन दिखेगा, एड मनी एंड पे वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। उसके बाद आपका जो एम पिन रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक का वो यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए फटाफट से मैं मेरा एम पिन एंटर कर लेता हूँ। एम पिन हमने एंटर कर लिए, एम पिन एंटर करने के बाद आपको पे नाउ वाला जो ऑप्शन दिखता है इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे लोडिंग हो जाएगा। कुछ सेकंड तक लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आगे के पेज पे चला गया। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली ऐड न्यू कार्ड वाला ऑप्शन दिखेगा, न्यू कार्ड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे आपके लेवी पे के कार्ड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी, उसके बाद नीचे में पे नाउ वाला जो ऑप्शन दिखता है इसके ऊपर टैप करना है। तो चलिए मैं फटाफट से मेरे लेजी पे के कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे लेजी पे के कार्ड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर ली। सिंपली पे नाउ वाला जो ऑप्शन बना है इसके ऊपर हमें टैप करना है। पे नाउ पे हमने टैप कर लिया। पे नाउ पे टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग हो जाएगा और यहाँ पे आगे यहाँ पे पेमेंट पेज पे चला जाएगा। जैसे ओटीपी हमें मिलेगा ओटीपी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लेजी पे के पेमेंट गेटवे पे चला गया, ओटीपी हमने यहाँ पे कॉपी किया, ओटीपी यहाँ पे पेस्ट कर लेते और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ये पैसे डायरेक्टली यहाँ पे हमारे पेटीएम में ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई जब तक तो होता है तभी हमें वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे पैसा ऐड हो रहा है, यहाँ पे हमें वेट करते जाना है। तो फिलहाल मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, बीच में कॉल आ रहा है, कॉल को मैंने डिस्कनेक्ट किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पैसे सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे वॉलेट में यहाँ पे ऐड हो चुके, पेटीएम वॉलेट में पैसे आ गए। तो यहाँ पे पेटीएम वॉलेट से बैंक ट्रांसफर करने का प्रोसेस तो आप लोगों को पता होगा। फिर से मैं होम में चला जाता हूँ, उसके बाद पेटीएम वॉलेट में चला जाता हूँ। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे ट्रांसफर टू बैंक वाला, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है 1000 रुपीज़ वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप न्यू अकाउंट ऐड कर सकते हो, फिर पुराने किसी अकाउंट पे आपको पैसे ट्रांसफर करने से तो वो यहाँ पे चॉइस कर सकते हो। मुझे पुराने अकाउंट पे चॉइस यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो मैंने चॉइस किया, प्रोसेस पे क्लिक किया और विद इन कुछ सेकंड में ये पैसे बैंक अकाउंट में यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। पेटीएम की तरफ से हमें मैसेज मिला है और यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक की तरफ से भी हमें मैसेज मिल चुका है, यहाँ पे ये पैसे हमारे अकाउंट में 1000 रुपीज़ एज इट इज क्रेडिट हो चुके हैं। मतलब इसके ऊपर हमें 0% चार्जेस लगे। अब बात करते हैं कैशबैक की, तो आपको कैशबैक कैसे आएगा, तो सिंपली आपको लेवी पे में जाना है। लेवी पे में आपको एक वाउचर मिला होगा, उस वाउचर को अगर आप स्क्रैच करते हो तो उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने लेवी पे में लॉग इन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड वाले सेक्शन में आपको नीचे वाले से क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पे ऊपर में एक वाउचर दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाउचर को आपको सिंपली स्क्रैच करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1000 रुपये ऐड किए तो हमें 10 रुपये मतलब 1% के हिसाब से कैशबैक मिल गया। तो अब इसी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड के मतलब लेवी पे के कार्ड के पैसे बैंक अकाउंट में एकदम ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो। यही प्रोसेस है,
एकदम इजीली आप अपने लेडीपे के कार्ड के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बस एक सेम मेथड आपको फॉलो करना है, इसके लिए बस आपके पास पेटीएम का फुल केवाईसी अकाउंट और यहाँ पे एक एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए, और इस मेथड का यूज करके आप सिंपली यहाँ पे पैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बस आज की इस वीडियो में इतना है, ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में आप लोगों के लिए कराता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज की इस वीडियो में इतना है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।